नमस्कार, मैं प्रवीण सेठी, सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आजसू ने फूंका चुनावी बिगुल, सरकार की कर रहे हैं आलोचना। लूट की घटना में पुलिस को मिली सफलता, आरोपी आए पुलिस की गिरफ्त में। कपाली में मोबाइल चोर का दिखा आतंक, एक व्यक्ति की गई हत्या। और सुहागिन महिलाओं ने अपने पति के लिए रखा करवा चौथ का व्रत, मंदिरों में उमड़ी भीड़। और अब खबर विस्तार से, और खबर की शुरुआत करते हैं राज्य की राजनीति से। जी हां, झारखंड सरकार की सहयोगी पार्टी आजसू की ओर से मिशन 2019 का बिगुल फूंक दिया गया है और इसके दूसरे चरण की शुरुआत सरायकेला जिले के खरसावा स्थित शहीद बेदी पर माथा टेककर पार्टी सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने की। शनिवार से शुरू हुए इस स्वराज स्वाभिमान यात्रा के माध्यम से पार्टी सुप्रीमो 59 गांवों में जनता के बीच जाने का काम करेंगे और इस दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री से पार्टी सुप्रीमो कुल 90 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे। वहीं आजसू सुप्रीमो इस दौरान कुचाई प्रखंड के एक गांव में जनता के बीच चौपाल में शरीक हुए और ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और कहा कि वे आज जनता के बीच वोट मांगने नहीं बल्कि जनता को ये बताने पहुंचे हैं कि सरकारें और सत्ता पर लोग बदलते हैं लेकिन गांव के हालात नहीं बदलते। उन्होंने बताया कि आज़ादी के बाद से लेकर आज तक चुने गए प्रतिनिधियों और जनता के बीच एक तरफा संवाद हुआ है लेकिन आजसू पार्टी इस स्वराज स्वाभिमान यात्रा के माध्यम से गांव-गांव घूमकर जनता के साथ सीधा संवाद करेगी और गांव की जनता को ये बताने का काम करेगी कि सरकार का मतलब पब्लिक होता है। मतलब साफ है कि आजसू पार्टी झारखंड में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार में रहकर सरकार को घेरने का काम शुरू करने जा रही है। स्वराज स्वाभिमान यात्रा के दूसरे चरण में आज हम खरसावा के कुचाई प्रखंड के गाँव में है और ये यात्रा महात्मा गांधी जी के भारत के बारे में, उनके भारत के जनगण के बारे में या भारत के गांव गणराज्य के बारे में कल्पना को आज 70 साल के बाद आज़ादी के बाद कहां पर है, गांव का पंचायत और गांव के लोगों का, गांव के सभा का, ग्राम सभा का और गांव के लोगों में सरकार और सरकार के मायने पर एक संवाद स्थापित करने के लिए ये कार्यक्रम स्थापित किया है। पूरे राज्य में 32,000 गाँव में से 5,000 गाँवों में जाना, गांव में पदयात्रा करना और उनके साथ दो कदम चल के उनके वास्तविक हालात को आवाज़ देना, उसके आवाज़ को, उसके विषय को एक अस्तर देने की तैयारी हमारी है। अपूर्वी सिंहभूम जिले के कवाली थाना क्षेत्र के हरिड़ा गांव के पास 11 अक्टूबर को भारत फाइनेंस कंपनी के दो कर्मचारियों के साथ 1,20,000 रुपए, टैब व अन्य सामान के हुए लूटकांड के मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। साथ ही साथ तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं लूटे गए टैब, हैंडबैग और घटना में इस्तेमाल किया गया मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद किया है लेकिन लूटे गए पैसों की बरामदगी नहीं हो पाई है। तीनों आरोपी कोवाली थाना क्षेत्र और राजनगर थाना क्षेत्र के हैं। वहीं DSP ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर इस कांड का उद्भेदन किया गया है। भारत फाइनेंस के जो कर्मी है वो पैसा कलेक्शन करके आ रहे थे तो कोवाली थाना अंतर्गत हरना के आसपास सुनसान जगह पर तीन अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा उनके साथ लूटपाट किया गया जिसमें करीब 1,20,000 रुपया उनके अनुसार लूटा गया और टैब और जो कि उनके बैग में सामान था सब सहित लूट लिया गया था। तो जिसका अज्ञात के विरुद्ध में मामला दर्ज किया गया था और अनुसंधान और खोजबीन किया गया। पुलिस निरीक्षक, जादूगढ़ अंचल थाना प्रभारी और गोविंदा उरांव इन लोगों के साथ संयुक्त टीम बनाकर इस पर हम लोगों ने जांच और उद्भेदन का प्रयास किया। इसी क्रम में गोविंदा उरांव को एक महत्वपूर्ण लीड मिली, गुप्त सूचना मिली जिसके आधार पर अपराधियों अभियुक्त सागर सीट को संदेह के आधार पर पूछताछ किया जिसमें उन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की। और जमशेदपुर से सटे कपाली में बीती रात अज्ञात लोगों ने पति पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं घायल पति पत्नी में इलाज के दौरान पति की मृत्यु हो गई। घायल पत्नी का इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि एक मोबाइल चोर ने मृतक के घर से मोबाइल चोरी की थी और बाद में मृतक के पत्नी के मोबाइल पर फोन कर मोबाइल चोर ने मोबाइल वापस करने की बात कही थी। बीती रात वह मोबाइल वापस करने पहुंचा था। पति पत्नी ने उसे पकड़ना चाहा लेकिन मोबाइल चोर युवक ने चाकू से उन पर हमला कर दिया जिससे घायल पति पत्नी में पति वीरेंद्र शर्मा की मौत हो गई।
वहीं पत्नी जीनत निशा घायल है, जिनका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। मामले में पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई और मोबाइल चोर को जल्द पकड़ लेने का दावा किया है। औरत बता रही है जिसका पति का देहांत हुआ, वो बता रही है कि 4 रोज पहले उसके घर में कोई लड़का मोबाइल चोरी किया, वो मोबाइल लेकर के चला गया और उसी मोबाइल से वो इससे कांटेक्ट बनाया और ये इस चीज़ को पुलिस को नहीं बताई, अपने पति को बताई कि हमारा मोबाइल लेकर के एक लड़का कोई चला गया है जो हमको फ़ोन कर रहा है बार बार। वो पति कहा कि ठीक है पुलिस को नहीं बताना है, उसको बुलाओ, उसको हम लोग पकड़ लेंगे, जब बात कर रहा है तो आएगा। वो भी बोला कि हाँ ठीक है हम आएंगे, तो ये लोग प्लानिंग कर लिया उसको पकड़ने का। जैसे केवाड़ आकर के खुलवाया, करीब 12:30 बजे रात में खुलवाया, ये पति और पत्नी दोनों मिलकर उसको पकड़ना चाहा और उस पर वो छुरा लिए हुआ था, छुरा से पति को मार दिया, पति गिर गया, गिरने के बाद उसको 3-4 छुरा मारा, वो बेहोश हो गया, ये भी पकड़ना चाहिए, इसको भी छुरा लगा। और जमशेदपुर में करवा चौथ के मौके पर सुहागिन महिलाओं ने व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु की कामना की। शाम को विभिन्न मंदिरों में इस मौके पर पूजा अर्चना की गई। महिलाओं ने चांद के दीदार के बाद जल ग्रहण किया। हमारे शास्त्रों में अनेक व्रतों का वर्णन है। इसी क्रम में कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाने वाला करवा चतुर्थी व्रत हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण व्रत है, जिसमें सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सौभाग्य पति की दीर्घायु व आरोग्य के लिए व्रत रखकर चंद्रोदय के उपरांत चंद्र को अर्घ देकर अपने व्रत का पारण करती है। जमशेदपुर के विभिन्न मंदिरों में इस दौरान महिलाएं पूजा पाठ करते नजर आई। और आज क्या करते हैं आज के दिन? आज मैंने व्रत रखा है और शाम में जल्दी अभी घर जाएंगे, चांद को देखते चांदी से पोते को देखेंगे और चांद को देखेंगे। करवा चौथ हम अपने पति के लिए किए, किस लिए? उनकी लंबी उम्र के लिए किए हैं। क्या करते हैं आज के दिन और कैसे रहते हैं? उनके दिन फास्टिंग करते हैं, उनके लिए सुबह व्रत करके सर्गी करते हैं, फिर अब हम पूजा करते हैं, फिर रात को चांद देख के पूजा व्रत तोड़ेंगे। और जमशेदपुर के परसोड़ी थाना क्षेत्र के नामो टोला में पिछले दिनों 7 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया और जमशेदपुर सहित 7 जिलों में हुए ऐसे मामलों में सभी जिले के उपायुक्त को इस पर जांच कर दोषियों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर कल्याणी शरण ने मीडिया से बातचीत के क्रम में ये जानकारी दी। गौरतलब हो कि परसोड़ी थाना क्षेत्र में एक स्कूल के प्राचार्य के भाई सह शिक्षक ने इस दुष्कर्म को अंजाम दिया था और ठीक ऐसी ही घटना जमशेदपुर सहित राज्य के 7 और जिलों में भी सामने आई है। आयोग के अध्यक्ष ने स्पष्ट तौर पर कहा कि राज्य भर में चल रहे ऐसे सभी स्कूल जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनके जांच के आदेश सभी जिले के उपायुक्त को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना एक शिक्षक और छात्र के रिश्ते को शर्मसार करती है और इस तरह के दुष्कर्मियों पर त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। एक जिला की बात नहीं है, हमारे यहाँ 7 जिला एक साथ आया। कस्तूरबा में जो हो रहा है कहानी, मैं अभी विजिट में निकलूंगी पूजा के बाद, और अभी जो पसुडी वाला मेरे घर पर बैठे थे और ये जो रक्षक ही भक्षक बन गया है, मैं इस पर बात भी की और इससे हमारे प्रशासन भी बहुत चिंतित है और डीसी साहब खुद चिंतित हैं कि समय ने इसके ऊपर एक तो चला गया जेल और दूसरा जो है, और दूसरी बात है कि वहाँ पर पूरी जांच कमेटी लगा हुआ है। ऐसे स्कूल जहाँ जहाँ हैं प्राइवेट, किसी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई वहाँ पर ऐसे, और एक सोचिए कि एक गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत माँ बाप से भी बढ़ के होता है, अगर उसी घर में और एक प्रिंसिपल का भाई अगर ऐसा कांड करता है तब तो कहने के लायक कुछ रहा ही नहीं। और जमशेदपुर के पुराने कोर्ट परिसर से शनिवार को लहू लुहान अवस्था में एक महिला पुलिस मुख्यालय पहुंच गई, जहां महिला को देखते ही वहां मौजूद पुलिस जवान हरकत में आ गए। पीसीआर की मदद से महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। महिला का नाम रूबीना खातून है और पूर्व में ये महिला हेल्पलाइन का संचालन करती थी जो पुराने कोर्ट परिसर में ही था। इसके बाद विभाग ने महिला हेल्पलाइन को वहां से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया और इसका संचालन दूसरे संस्था के हाथों में दे दिया, लेकिन फिर भी रूबीना के द्वारा उक्त भवन पर कब्जा जमा के रखा गया है। शनिवार को रूबीना ने कोर्ट परिसर में कार्य कर रहे एक टाइपिस्ट के साथ बहस की और उनका टाइपराइटर मशीन व अन्य सामानों को टेबल सहित नीचे गिराकर वहां से भागने का प्रयास करने लगी। इसी दौरान उनका पैर पत्थर से टकरा गया और वो जमीन पर गिर पड़ी, जिससे उन्हें चोट आ गई। वैसे घटना की सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई। हम
यहाँ टेबल में, हम टेबल से उधर जा रहे थे, जाने की तरफ वो औरत आई, मेरा मशीन को पूरा फेंकते उठते चले गई, फेंकते उठते चले गई, अब भाग रही थी तो जाते में उनका पैर स्लिप किया, कहीं पत्थर में जाकर उसको चोट लग गया। और उसके बाद क्या हुआ उसके बाद हमको नहीं पता, नहीं कारण है सर। हमसे कोई अगल बगल से किसी से भी आप पूछ लीजिए कि हम कैसा आदमी है, वो कैसा आदमी है, उनका कैसा क्या है। रवीना ठाकुर रहती है यहीं पर सर, महिला हेल्पलाइन में, अवैध रूप से सरकारी हॉस्पिटल में कब्जा करके बैठी हुई है। पता चला कोई महिला घायल है, आप वहाँ जाइए, उसको जो है कोई मारपीट किए हैं, उसको जो है इलाज के लिए। अब इसी सूचना पर 100 डायल के मेट्रो, ये तो कह रहे हैं मेरा कुर्सी उल्टा दिया है। अब क्या हुआ, हम मौके पर तो थे नहीं, अभी आए हम देखते हैं। और जमशेदपुर में आयुष्मान भारत योजना को धरातल पर उतारने के लिए 500 से अधिक लोगों के बीच गोल्डन कार्ड का वितरण कर योजना से लाभान्वित होने का अवसर प्रदान किया गया। गोविंदपुर में आयुष्मान भारत का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह के द्वारा गोल्डन कार्ड का वितरण किया गया, जहाँ 500 से अधिक गरीब लोगों के बीच योजना का लाभ पहुँचाया गया। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक विकास की गंगा एवं सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री के द्वारा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत किसी भी निजी अस्पताल में गरीब का इलाज मुफ्त में कराया जाएगा, जिसे लेकर गोल्डन कार्ड का वितरण किया जा रहा है ताकि गरीब लोगों तक योजना का लाभ मिल सके। आयुष्मान भारत के तहत जो इंश्योरेंस का क्लेम है, उस क्लेम में के तहत हम लोग जो भी कार्ड है उसको गोल्डन कार्ड हम लोगों के बीच में बांटने का काम कर रहे हैं, ताकि उसका सही सही लोग लाभ उठा पाएँ। और वैसे लोग जो आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में वंचित रहते थे, दर दर भटकते थे, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा और ये कार्ड दिया जा रहा है, ताकि जो गरीब से गरीब लोग हैं जो स्वास्थ्य लाभ उठा सकें। और सरायकला जिला स्थित काशी साहू महाविद्यालय प्रांगण में 7वें कोल्हान स्तरीय इंटर कॉलेज तीरंदाजी प्रतियोगिता का उद्घाटन ईचागढ़ भाजपा विधायक साधुचरण महतो ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान कोल्हान विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों के प्रतिभागियों ने शिरकत की। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए विधायक साधुचरण महतो ने कहा कि तीरंदाजी के क्षेत्र में खिलाड़ी जिले के साथ साथ राज्य और देश का भी नाम रोशन कर सकते हैं, साथ ही इस क्षेत्र में आकर खिलाड़ी अपना बेहतर भविष्य भी बना सकते हैं। विधायक साधु महतो ने जिले के सबसे बेहतरीन तीरंदाजी सेंटर के पास उद्योग लगाए जाने का पुरजोर विरोध किया और कहा है कि इससे खिलाड़ियों का ध्यान भटकेगा और उससे खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि इस तीरंदाजी सेंटर के पास जिस दिन उद्योग की आधारशिला रखी जा रही थी, उस दिन विधायक भी शिलान्यास समारोह में उपस्थित थे, लेकिन आज विधायक यह कहते नजर आ रहे हैं कि इसके लिए वे विधानसभा के सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। बहरहाल वास्तव में यहां से तीरंदाजी सेंटर को कहीं और स्थापित करवा पाते हैं या उद्योग को यहां से कहीं और जमीन दिला पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं इस प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ के भी शिरकत करने की बात थी, लेकिन दोनों ही नहीं पहुँच सके। संत जगाते हैं, एकदम खुला जगाते हैं, ये जिससे लोगों को दूर 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 तक आवाज नहीं आती। आज बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, आपके एकेडमी के तरफ से भी ये शिकायत पत्र नहीं दिया, क्योंकि वो आर्चरी जहां पर है वहां एक बड़ा कंपनी बन गया और उस जगह इतने स्टूडेंट हमारे नेशनल इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट लाने वाले यहाँ के खिलाड़ी है, तो निश्चित रूप में काल वहाँ कारखाना में आवाज आएगा ढान ढान का। यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। तिब्बत मार्केट जमशेदपुर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी तिब्बत मार्केट लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए डिजाइन के गर्म कपड़े, वो भी सस्ता और बेहतरीन। गर्म उलेन कपड़े अब आपके पास, जेंट्स जैकेट, ब्लेजर, फुल पुलोवर, लेदर जैकेट, नेता कोट, श्वेत शर्ट के कई रंग एवं डिजाइनों में, लेडीज कुर्ती, पंचू, लेडीज के लॉन्ग सरक, जेंट्स एंड लेडीज के सभी प्रकार के
शॉल एंड स्टॉल और कार्डिगन, ब्लैंकेट कई प्रकार के डिजाइन और रंगों में पा सकते हैं। लेडीज के लेगिंग्स, टॉप, ब्लाउज, कैप्स और भी बहुत कुछ पा सकते हैं। कैप्स, ग्लव्स, मफलर्स, स्मॉल शूज, शॉक्स, पैजामा भी ले सकते हैं। करें खरीदारी जमकर और सर्दी के मौसम का मजा ले घूम घूम कर। तिब्बत मार्केट, गोलमुरी सर्कस मैदान, गोलमुरी जमशेदपुर। गोलछा साड़ी सेंटर, गोलछा साड़ी सेंटर अ एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ साड़ीज, लहंगा एंड सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार। सभी प्रकार की साड़ियां वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट, सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन, सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता, गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। अब पावर का सुपर पावर ऑफर दैनिक भास्कर के साथ। दैनिक भास्कर अखबार में छपे फॉर्मेट में चिपकाएं एक किलो के तीन पावर के खाली पैक और जीते इनाम। तो अब कपड़ों की सफाई भी और इनामों की बौछारें भी, तो ना छूटने दे मौका। आज की तीन खाली पैक दैनिक भास्कर में छपे फॉर्मेट में चिपकाकर घाटशिला या जमशेदपुर के कार्यालय में जमा करें और पाएं ढेर सारे इनाम। तो करते रहें सुपर पावर से कपड़ों की सफाई, पढ़ते रहें दैनिक भास्कर और जीतते रहें ढेरों इनाम। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8271033770। आप दैनिक भास्कर के फॉर्मेट में छपे स्टोर्स के पते पर भी अपना फॉर्मेट जमा कर सकते हैं। फॉर्मेट यहां जमा करें, दैनिक भास्कर कार्यालय, कॉमर्स प्लाजा, तीजना तल्ला, मेन रोड, घाटशिला, जमशेदपुर। दैनिक भास्कर कार्यालय, चौथा तल्ला, 7SP शॉप एरिया, क्यू रोड, विष्णुपुर, जमशेदपुर। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें सुमन कुमार सिंह 9934640673 8340605519। ऑफर 1 जुलाई से 30 सितंबर तक मान्य रहेगा। पूरनमल अग्रवाल, पूरनमल अग्रवाल जहां है साड़ियों का संग्रह बेमिसाल। जी हां, हर अवसर, शादी, ब्याह, पार्टी, हर मौके के लिए पूरनमल अग्रवाल में है आपकी पसंद की लाजवाब साड़ियां। वेडिंग साड़ीज, बनारसी साड़ियां, डिजाइनर साड़ियां, फैंसी साड़ियां, कांजीवरम, सुपर नेट, कॉटन, जयपुरी, तांत, प्योर सिल्क के साथ साथ मनमोहक डिजाइनों और आकर्षक रंगों में लहंगा, चुन्नी की विशाल रेंज। और साथ ही पुरुषों के लिए है शानदार रेमंड्स के सूटिंग, शर्टिंग। पूरनमल अग्रवाल, जो वर्षों से आपके विश्वास की कसौटी पर खरे उतरे हैं और आपको शानदार वस्त्रों से सजाया है। पूरनमल अग्रवाल, शॉप नंबर 2728 साक्षी बाजार, जमशेदपुर। फोन 2435138 और 9431329002। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। झारखंड में बने हिंदी फीचर फिल्म इलाका किशोरगंज का पोस्टर जमशेदपुर में रिलीज किया गया। इस दौरान राज्य के पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद थे।
पूरी फिल्म को झारखंड राज्य के अलग अलग जगहों पर फिल्माया गया है। निर्देशक जे नूतन पंकज की फिल्म इलाका किशोरगंज में मुख्य रूप से अनाथ बच्चों की समस्याओं को दर्शाया गया है और फिल्म में ये सीख दी गई है कि किस तरह बिना गलत रास्ते को चुने कोई अनाथ ऊंचे मुकाम तक पहुंच सकता है। पोस्टर रिलीज के दौरान फिल्म के निर्देशक प्रोड्यूसर समेत तमाम कलाकार मौजूद थे। मौके पर मौजूद पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने पूरी टीम को बधाई दी। फिल्म के निर्देशक ने बताया कि झारखंड के कलाकारों के साथ झारखंड में ही बनी फिल्म को 2 नवंबर को देश भर में प्रदर्शित की जाएगी। वहीं फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आ रहे कलाकारों ने भी फिल्म के प्रदर्शन को लेकर अपनी खुशी जाहिर की। तो जो मूवी है सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, इसमें आपको प्यार मर्डर बहुत ऐसे चीज़ आपको मतलब कहते हैं ना फुल तड़का मूवी में वो आपको देखने को मिलेगा। इसकी टोटल स्टोरी भी झारखंड से ही, क्योंकि रांची में जो इलाका किशोरगंज है वहीं की ये स्टोरी है और हमारे जो डायरेक्टर हैं वो बॉम्बे के हैं। और ये मूवी में मेरा एक्सपीरियंस, ये मेरी फर्स्ट डेब्यू मूवी है, मैं इस मूवी से आप सबके बीच में आ रही हूँ और मेरा ऐसा सोचना है कि इस मूवी से मैं और आगे भी जाऊँगी बिकॉज इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। फिल्म एक सस्पेंस थ्रिलर है, आपको एक कंटेंट ड्रिवन सिनेमा आप अगर समझते हैं तो उस तरह की एक सब्जेक्ट है और कहानी कुछ ऐसी है कि अनाथ बच्चे हैं वो किस तरह क्राइम की दुनिया में आते हैं और जो हमारी फिल्म की जो हीरोइन है या लीड एक्ट्रेस है जो मेरे बगल में है, ये अपनी जड़ें तलाश करने जब किशोरगंज जाती है तो देखती है कि इनका सब कुछ नेस नाबूद हो गया है, सब लोगों ने लूट खसोट लिया, क्रिमिनल ने। और चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के डोरमा गांव में खाना बनाने के दौरान स्टोव के फट जाने से पति पत्नी घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जॉनी तिग्गा नामक महिला शुक्रवार की रात स्टोव पर खाना बना रही थी, इस दौरान स्टोव फट गया। जॉनी बुरी तरह जल गई जबकि उसके पति मनोज तिग्गा का हाथ पत्नी को बचाने के दौरान जल गया। पति पत्नी दोनों को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इधर महिला के पति मनोज तिग्गा ने हादसे के कारणों के संबंध में मीडिया को जानकारी दी। रात का 8 बजे खाना वाना बना रहे थे, स्टोव ऐसे ही जला हुआ था तो हमने मचाना है। आप लोग कहाँ से हैं? चक्रधरपुर। चक्रधरपुर में किस गांव से? देवगांव। और आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम मनोज तिग्गा। और आपकी पत्नी का नाम? जवानी तिग्गा। और राज्य में स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 को लेकर फिर से तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं इसे लेकर जमशेदपुर से सटे गमरिया प्रखंड कार्यालय सभागार में ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें प्रखंड के सभी शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविकाएं, पंचायत प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मौजूद सभी प्रतिनिधियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया और स्वच्छता शपथ दिलाई गई। इधर BDO द्वारा सभी को अपने परिवेश को साफ कैसे रखे इसकी जानकारी दी गई। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन प्रमुख अमृता टुड्डू ने किया। आज की बैठक का मूल उद्देश्य है कि यदि स्वच्छता सर्वेक्षण के कार्यक्रम हमारे पंचायत के किसी गांव में ये टीम पहुंचती है तो वो एक टीम अच्छा फीडबैक लेकर के जाए और इसके लिए जरूरी है कि हमारे जो स्वच्छता के मूल बिंदु हैं, स्वच्छता का मूल बिंदु हमारा स्कूल, हमारा आंगनबाड़ी केंद्र, हमारे सार्वजनिक स्थल चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, हमारे सामुदायिक भवन, उसके बाद हमारे निजी घर। क्योंकि निजी घर में कोई एक व्यक्ति का घर गंदा हो सकता है लेकिन सार्वजनिक भवन अगर गंदा है इसका मतलब गांव के सभी लोगों का बिहेव थोड़ा सा साफ रखने का तो नहीं है। और झारखंड के पारा शिक्षक पिछले महीने से आंदोलनरत है। वहीं सरकार के खिलाफ ये शिक्षक अब आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। इधर सरायकेला खरसावा जिले के पारा शिक्षकों की एक बैठक गमरिया प्रखंड कार्यालय पर हुई जहां इन पारा शिक्षकों ने अपनी मंशा साफ करते हुए सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य की सरकार यदि उनकी मांगों पर विचार करते हुए स्थायीकरण और समान काम के बदले समान वेतन लागू नहीं करती है तो आगामी 16 नवंबर से घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन चलाया जाएगा। साथ ही सरकार के खिलाफ आंदोलन जारी रखने की बातें कही गई। शिक्षक संघ 29 से ही हमारा कार्यक्रम शुरू हो जा रहा है और ये 5 तारीख तक अभी लगातार हो रहा है और उसके बाद भी हमारा अगर मांगे सरकार नहीं मानती है तो आंदोलन 16 तारीख से घेरा डालो डेरा डालो होगा। और ये सरकार हमारे साथ बहुत दिनों से सोतलापन व्यवहार कर रही है। पहले तो गठबंधन की सरकार थी, बहुत सारी सरकार आई है
उम्मीद बहुत सारी सरकारों से भी थी, हमारी सरकार कुछ भी नहीं किए पारा टीचर के लिए। अभी एक कल सरकार है, हमें बहुत उम्मीद थी, आशा लगाए थे कि शायद बीजेपी सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। हमारी मांगे हैं समान काम का समान वेतन और स्थायीकरण, बस हमारी यही मांग है कि हमें समान काम का समान वेतन दे, और हमें सरकार से आशा है कि हमारी मांग पूरी करेगी। और जमशेदपुर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत मिशन 2019 में झारखंड को नंबर वन बनाने को लेकर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसका समापन पुरस्कार वितरण समारोह के साथ किया गया। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के द्वारा साक्ची स्थित एक होटल में राज्य स्तरीय 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छ भारत अभियान को धरातल पर उतारने के लिए दिल्ली से आए अभियान के सदस्यों ने कई नए टिप्स झारखंड के विभिन्न जिलों से आए सरकारी अधिकारियों को दिए, जिसका समापन पुरस्कार वितरण समारोह के साथ किया गया, जहां जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद थे। कार्यशाला के संबंध में मीडिया से बात करते हुए कृष्ण कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 को लेकर कई दिशा निर्देश सभी राज्यों को जारी किए गए हैं, जहां सर्वेक्षण के दौरान झारखंड को नंबर वन बनाने के लिए इस कार्यशाला के माध्यम से विभिन्न जिलों से आए पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया, जहाँ दिल्ली से आए सदस्यों ने स्वच्छता से संबंधित कई जानकारियां अधिकारियों को दी है। इस कार्यशाला में जुस्को का भी सहयोग अधिकारियों को प्राप्त हुआ है। इस वर्ष ग्रेट सिटी का अवार्ड जमशेदपुर को मिला था, जहां उन लोगों के समक्ष कई चुनौतियां नंबर वन के स्थान पर बने रहने के लिए आ रही हैं, जिसका निदान जिले के अधिकारी इस कार्यशाला के माध्यम से करेंगे। भारत सरकार की जो NIO की टीम है वो क्षेत्रीय कार्यशाला आज जमशेदपुर में 3 दिवसीय चल रही थी, जिसके तत्वाधान पर हम लोग SWM और स्वच्छता सर्वेक्षण के मापदंडों के अनुसार प्रत्येक दिन जो एजेंडा था उसके अनुसार कार्यशाला का आयोजन किया गया है। फर्स्ट डे में हम लोगों ने डोर टू डोर और सेग्रीगेशन और रैक पिकर का क्या यूज है एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का क्या यूज है, पिट कंपोस्ट का क्या यूज है, इसके बृहद जानकारी NIO के द्वारा दिया गया है। साथ में हमारे जुस्को के भी जो यहाँ पे एक्सपीरियंस के तौर पे जो काम कर रहे हैं उन लोग का भी प्रेजेंटेशन था। इसके अलावा सूडा से अंजलि दिग्गा मैडम थी, उनके द्वारा भी ये डोर टू डोर पर प्रेजेंटेशन दिया गया। तो कुल मिलाकर हम लोग ये देखा है कि 20 ULB के लोग यहाँ पे उपस्थित थे, अधिकारी से लेकर के सिटी मैनेजर, तो इन लोगों ने बढ़िया शांतिपूर्वक माहौल से आज 3 दिवसीय कार्यशाला को संपन्न किया है। और जमशेदपुर के खास महल स्थित कुंडू भवन में जदयू पार्टी की ओर से एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां जुगसलाई बागबेड़ा व हररगुट्टू क्षेत्र से कई युवाओं ने पार्टी का दामन थामा। बता दे इस सम्मेलन की अध्यक्षता जदयू के महानगर अध्यक्ष कर रहे थे। पूरे कोल्हान क्षेत्र में पार्टी की मजबूती को लेकर इस सम्मेलन के दौरान गहन विचार विमर्श किया गया, जहां बिहार में पार्टी की लोकप्रियता को देखकर जमशेदपुर में भी युवाओं ने पार्टी का दामन थामा, जहां महानगर अध्यक्ष समेत पार्टी के वरीय पदाधिकारियों द्वारा सभी को माला पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया गया। इधर महानगर अध्यक्ष संजीव आचार्य ने बताया कि आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे झारखंड में पार्टी की मजबूती को लेकर लगातार कार्य किया जा रहा है, ताकि लोकसभा व विधानसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार जीतकर झारखंड को शराब मुक्त व युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा केंद्रीय निर्देश के अनुसार पार्टी हित के लिए कार्य किया जा रहा है, ताकि पार्टी को मजबूती प्रदान हो सके। पूरे कोल्हान क्षेत्र में पार्टी की मजबूती के लिए हम लोग जनता दल यू सदस्यता अभियान और मिलन समारोह चल रहा है। आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हमारे केंद्रीय और राष्ट्रीय नेतृत्व ने झारखंड में संगठन को मजबूती के लिए एक नया दिशा और दशा का निर्णय किया। आज हम लोग उसी क्रम में आलोक रंजन जी और ऋषभ प्रसाद जी के द्वारा उनके नेतृत्व में जुगसलाई और हररगुट्टू से सैकड़ों काफ़ी युवाओं ने जो समाज में अपने आप में एक जगह रखता है उन लोगों पार्टी के नीति और सिद्धांत में जुड़कर नीतीश जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में ज्वाइन किया। वर्तमान समय में ब्रेस्ट कैंसर की समस्या एक गंभीर समस्या बनकर उभर रही है। ऐसे में महिलाओं को इसके प्रति जागरूक करने का बीड़ा जुगसलाई की एक संस्था मानव कल्याण सेवा समिति ने उठाया है, जहां इनके साथ कामुलिया अस्पताल के डॉक्टरों की एक टीम द्वारा 28 और 29 अक्टूबर को बिष्टुपुर के चैंबर भवन में निःशुल्क शिविर लगाकर महिलाओं में बढ़ते ब्रेस्ट कैंसर की जाँच की जाएगी। लगातार ब्रेस्ट कैंसर की समस्या से महिलाएं जूझ रही हैं। दिन प्रतिदिन इस बीमारी का रूप विकराल होता जा रहा है और महिलाएं इस बीमारी से ग्रसित होते जा रही हैं। ऐसी परिस्थिति में जुगसलाई की एक संस्था मानव कल्याण सेवा समिति ने महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एक निःशुल्क जांच शिविर 28 व 29 अक्टूबर को बिष्टुपुर के चैंबर भवन में लगवाया है, जिसमें तामोलिया अस्पताल का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है। इस शिविर में लगभग 250 महिलाओं की जाँच निःशुल्क की जाएगी और किस प्रकार से उन्हें अपने आप को सुरक्षित व स्वस्थ रखना है
इस पर चिकित्सकों द्वारा उन्हें सलाह दी जाएगी जिन्हें अपनाकर वे वर्तमान परिस्थिति में स्वस्थ और निरोग रह सकती हैं। इधर इस शिविर के संबंध में प्रेस वार्ता कर समिति के पदाधिकारियों ने जानकारी दी, जहां इस दौरान तामुलिया अस्पताल के डॉक्टर अमित भी मौजूद थे। 28 और 29 तारीख को चैम्बर वार्ड विष्णुपुर में महिला लोगों का निःशुल्क ब्रेस्ट कैंसर का जांच शिविर करा रहे हैं, जिसमें तामुलिया हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम हमारा सपोर्ट कर रही है। इस शिविर में करीब करीब 250 महिलाओं का हम लोग चेकअप कर सकते हैं और हम लोगों के पास अभी तक 225 रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं। कल हमारे पास, मुझे लगता है कि हम लोग शायद 40-50 रजिस्ट्रेशन और ले लेंगे, तो हम लोग चूँकि 250 ही कर सकते हैं चेकअप, और आई थिंक कि उससे ज़्यादा हम लोगों के पास चेकअप करवाने की जो लिमिट रजिस्ट्रेशन है शायद उससे ज़्यादा आ जाए। वक्त तो चला एक बार फिर छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जा जी भारती, 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जा जी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है, इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकान है। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया, इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले, घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जा जी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे एक दोस्त ने मिर्जा जी भारती, इनसे जाके मिलने को, उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट, एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा, अभी अवश्य मिले मिर्जा जी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती। सिटीज लाइफ, सिटीज लाइफ होलसेल बाजार पूरे परिवार के लिए। अब अच्छे दिन आ गए हैं। जमशेदपुर में होलसेल रेट पर कपड़ों की करें खरीदारी, बेहतर से बेहतर डिजाइन एवं स्टाइलिश क्लॉथ खरीदें, वे भी बाजार से कम कीमत में। आया जमाना नारियों के आजादी का, हम भी देते हैं साथ, एक से बढ़कर एक डिजाइनों के साड़ियां लेकर। चाहे लेनी हो बनारसी साड़ी, कांजीवरम, तांत, जामदनी, सिल्क, कॉटन साड़ी या फिर फैंसी साड़ी, सभी के कलेक्शन का है विशाल भंडार। बच्चों के जींस, टी शर्ट, शर्ट, शेरवानी, बच्चियों के लिए भी है खास फ्रॉक, कुर्ती, सूट, टी शर्ट, जींस फॉर जेंट्स, सूट, शेरवानी, कैजुअल, फॉर्मल एवं पार्टी वियर शर्ट के हैं कई वैरायटी। फॉर लेडीज सलवार सूट पीस, कुर्ती, सूट, लहंगा और साथ में है फैंसी टॉप। रिश्ता क्या कहलाता है, साथियां, काला टीका जैसे मशहूर सीरियल के साड़ियां एवं लहंगा चुन्नी भी मिलते हैं। सिटीज लाइफ, जहां है सभी के लिए कुछ न कुछ। तो करनी हो खरीदारी पूरे परिवार के लिए, एक बार अवश्य आएं। सिटीज लाइफ, स्टेशन रोड अपोजिट पानी टैंक, जुगसलाई, जमशेदपुर। जब आपके स्वास्थ्य को मिलती है आयुर्वेद की शक्ति, आपके जीवन में असाध्य रोग की समस्या बिल्कुल नहीं ठहरती। पिछले 30 वर्षों से शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार असरदार औषधियों के साथ आपके स्वस्थ व निरोग जीवन का एक भरोसेमंद प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। जी हाँ, पिछले 30 वर्षों से लगातार बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के असाध्य रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों का बिल्कुल सफल उपचार, कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर एस के तिवारी की सबसे कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, यौन जीवन से असंतुष्ट या काम सुख में कोई भी अड़चन, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, आपकी सभी यौन समस्याओं का अंत बिल्कुल जड़ सहित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक।
मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल और असाध्य रोग का विश्वसनीय इलाज एकदम सटीक। जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक, निसंतान दंपतियों की चाहत अब न रहे अधूरी, संतान प्राप्ति की मनोकामना हो जाए पूरी। आयुर्वेद शिरोमणि डॉक्टर एस के तिवारी की सफल चिकित्सा एकदम आधुनिक, पिछले 30 वर्षों से नंबर 1 आयुर्वेदिक दवाखाना जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक, स्वस्थ तन मन निरोग जीवन। होटल अंबर के बगल में, न्यू कालीमाटी रोड, साक्ची, जमशेदपुर। फोन 0657-2438616, 983-555-1212, 943-111-3166। प्रतिमा 8 से 20 तारीख तक। जमशेदपुर में भारत के विख्यात ज्योतिषाचार्य श्री महादेव जी, जिनका कई वर्षों का ज्योतिष में अनुभव है, जो कृष्णमूर्ति पद्धति से आपका जन्म कुंडली देखते हैं, आपको सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं 100% गारंटी के साथ। मैं महादेव जी बोल रहा है, कृष्णमूर्ति पद्धति से ये विचार करते हैं, ये विचार संपूर्ण विज्ञान व्यक्ति का है। हमारा ये विचार से मैरिज, एडुकेशन, बिजनेस, डिसीज, मामला मुकदमा, कोई भी प्रॉब्लम आपको 100% गारंटी के साथ हम सॉल्यूशन करते हैं। कई लोगों ने लाभ उठाया है। पिछले 12 वर्षों से मेरा कोई बच्चा नहीं था। श्री महादेव जी से मिलने के बाद और उनके द्वारा दिए गए सजेशन के बाद आज मेरे घर में बच्चे की फिरकारी सुनने को मिली और मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। हमें अनेक ज्योतिषी कैसे गेसिलाम, किसी प्रॉब्लम नहीं है, किंतु कोनो साफल्य पाई नहीं। जब থেকে মহাদেব বাবুর কাছে গেছি তবে থেকে আমার অনেক সাফল্য লাভ হয়েছে। আমার মেয়ের বিয়ে, ছেলের চাকরি, সব কিছু তো অনেক ঠিকঠাক উনি যেভাবে প্রেসক্রাইব করেছেন সেভাবে। मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता था, श्री महादेव जी के परामर्श के बाद आज मेरा बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो रहा है। महादेव जी से मिलें और सभी परेशानियों से निजात पाएं। मिलने के लिए संपर्क करें जेमको, आदित्यपुर, साक्ची, सोनारी, मानगो, गोलमुरी। मोबाइल नंबर 9874826800, 9430715730, 9709052086। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कपाली स्थित अलमीनार स्कूल में बच्चों के बीच विभिन्न प्रतियोगिता एवं पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सफल प्रतिभागी बच्चों के बीच कपाली नगर परिषद की चेयरमैन शोभा रानी महतो ने प्रमाण पत्र वितरित किया। इधर स्कूल के चेयरमैन मोहम्मद शाहिद ने कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी। यहाँ जो है हम लोग ड्राइंग कॉम्पिटिशन बच्चों को कराए थे, उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इसी का मौका का फायदा उठाते हुए हम लोग जो है बच्चों ने जो बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस किया था, 90% जो मार्क्स लाए हैं ऐसे 1 एग्जामिनेशन में, उनको भी मेरिट सर्टिफिकेट दिया गया। और उसके साथ साथ हम लोगों ने इस मौके का फायदा उठाते हुए मिसेस शोभा महतो को, जो यहाँ की मेयर है, अभी चीफ गेस्ट बुलाया गया। कितने बच्चों के बीच में सर्टिफिकेट होता गया? हमारे बच्चे हर ये लगभग जो है 100 बच्चे को जो है मेरिट सर्टिफिकेट दिया गया है, और ड्राइंग कंपटीशन में हर एक क्लास वन से लेकर 100 तक के बच्चे को फर्स्ट सेकंड तक दिया गया। और जमशेदपुर स्थित जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में सुभाष चंद्र फाउंडेशन के तत्वाधान में सारथी का पहल एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में श्रम एवं नियोजन विभाग के सहायक निदेशक, समाज सेवी अंजलि बोस एवं विभिन्न एनजीओ के प्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यशाला में शिक्षा एवं कौशल विकास पर परिचर्चा की गई। इधर आनंद किशोर ने कार्यशाला के उद्देश्य के संबंध में जानकारी दी। अच्छा कदम है और इससे बहुत ही युवाओं को, महिलाओं को और लोगों को जो ग्रामीण क्षेत्र में बसते हैं उनको बहुत ही लाभ मिलेगा। जिस तरह की जानकारियाँ अभी इन्होंने कौशल जी ने दिया, उस आधार से हमने जानकारी पाया है तो बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी और लोगों को बहुत फायदा होगा। और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रतिनिधि मंडल ने जमशेदपुर उपायुक्त से भेंट कर मांग पत्र सौंपा। उपायुक्त को सौंपे गए मांग पत्र में कहा गया है, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा पूर्वी सिंहभूम के तत्वाधान में 18 स्थानों पर भगवान चित्रगुप्त की पूजा होती है। सभी प्रतिमा का विसर्जन 10 नवंबर को होगा। मांग पत्र में विसर्जन के दिन मानगो गांधी घाट पर लाइट की व्यवस्था करने की मांग की गई है। इधर कायस्थ महासभा के पदाधिकारी सुबोध श्रीवास्तव ने बताया कि उपायुक्त के द्वारा सकारात्मक जवाब दिया गया है। माननीय उपायुक्त महोदय से मिला और उनसे आग्रह किया, हम लोगों ने मांग की, जिस तरह दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ में जो घाट पर पूरे लाइट की व्यवस्था रहती है, वो व्यवस्था चित्रगुप्त पूजा का जो विसर्जन है
काफ़ी संख्या में विसर्जित लोग करते हैं हम लोग कैश महासभा के लोग, तो वहाँ भी उस तरह का लाइट का प्रबंध हो और जो प्रशासनिक व्यवस्था है ट्रैफिक से लेकर सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो। उन्होंने सहमति जाहिर की और हम लोग उनकी सहमति पर कैश महासभा आभार व्यक्त करता है कि उपायुक्त महोदय ने पहली बार इतिहास में पहली बार होने जा रहा है जो वहाँ चित्रगुप्त विसर्जन के समय लाइट लगेगा और पूरी व्यवस्था जो प्रशासनिक व्यवस्था। और एक बात उन्होंने कही कि ये पूजा के पहले एक मीटिंग हम कॉल करने जा रहे हैं। और धर्म जागरण समन्वय जमशेदपुर महानगर कमेटी ने जमशेदपुर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम संबोधन ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में साहेबगंज जिला भारतीय युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष दिनेश पटेल की हत्या पर चिंता जताते हुए इस हत्याकांड की सीबीआई जांच, धार्मिक हमलों पर तत्काल रोक के लिए कठोर कदम उठाने एवं बढ़ते आतंक को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की सक्रियता बढ़ाने की मांगें शामिल है। इधर धर्म जागरण समन्वय के प्रांतीय सह संयोजक विनोद ने इस संबंध में जानकारी दी। हमारे स्वयंसेवक की एक हत्या हो गई है कल, उन्हीं के हत्या के हत्यारों की गिरफ्तारी और सीबीआई जांच, इस मांग के लिए हम लोग मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन डीसी महोदय के द्वारा देने के लिए आप लोग यहां आए हैं। उनकी हत्या बहुत ही साजिश के तहत की गई है और निर्मम तरीके से पहले उनको पीटा गया है और फिर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसकी तुरंत उन हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए, इसी मांग के लिए हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए। हत्या का कारण जांच का विषय है। हम लोग वो पीछे काफ़ी दिनों से वो उस क्षेत्र में धर्म परिवर्तन के खिलाफ सक्रिय थे, वहाँ परिवर्तन ना हो, घर आपसी हो, इसलिए हम उस क्षेत्र में उस काफ़ी सक्रिय थे। और जमशेदपुर के हररगुट्टू जेपी रोड छोटू बगान के निवासियों ने धालबुम एसडीओ से भेंट कर ज्ञापन सौंपा। छोटू भूमिज नामक व्यक्ति ने अपनी जमीन बिक्री करने के वक्त खरीदारों को रास्ता नाली के लिए जगह दी थी। छोटू बगान के निवासी पप्पू रजक और डोमन महतो अपनी दबंगता पर रास्ता और नाली बनाने के लिए छोड़ी गई जमीन का अतिक्रमण कर घर बना रहे हैं। शनिवार को छोटू बगान के निवासियों ने एसडीओ से भेंट कर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में ज्ञापन सौंपा। इधर छोटू भूमिज ने पूरे मामले की जानकारी मीडिया को दी। हमारी जमीन दिया हुआ चीज के घेरेगा किसी को, और डोमन महतो भी घेर लिया है, रास्ता पूरा घेर लिया है, रोड पूरा एकदम खम्बा उम्बा नाली उली सब बंद कर दिया है। इसी के लिए हम लोग मैंने एस डी ओ को एक प्रमाण देने के लिए हमने किया कि इसको काम रोका जाए, कार इंक्वायरी किया जाए, उसके बाद जांच पात्र करके उसके बाद कुछ भी काम होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। और जमशेदपुर जिला मुख्यालय में शुक्रवार को उस वक्त बड़ा ही मार्मिक दृश्य देखने को मिला जब एक दिव्यांग अपने शरीर को जमीन पर रगड़ते हुए जिले के उपायुक्त तथा विधायक के पास पहुंचा और अपने लिए नौकरी की फरियाद लगाई। ताज्जुब की बात यह है कि यह दिव्यांग बीएड की डिग्री ले चुका है लेकिन इसे अब तक नौकरी नहीं मिली है। ये दिव्यांग पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला के रहने वाले हैं। इनका नाम उड़ा मार्डी है और इन्होंने बहरागुड़ा कॉलेज से पढ़ाई की है, बाद में बीएड की डिग्री घाटशिला कॉलेज से प्राप्त की। ये दिव्यांग बेहद ही कमजोर वर्ग से ताल्लुक रखते हैं और जैसे तैसे इन्होंने अपने शारीरिक और आर्थिक कष्टों को सहते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद भी इन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। थक हार कर शुक्रवार को ये जिला मुख्यालय अपने शरीर को जमीन पर रगड़ते हुए पहुंचे, जहां इन्होंने अपने लिए नौकरी की फरियाद जिले के उपायुक्त तथा घाटशिला के विधायक से लगाई। पंचायत है जाटी झरना और पढ़ाई बीएड तो किए हैं, बीएड बरागुड़ा कॉलेज से किए हैं, डिग्री घाटशिला कॉलेज से किए हैं। मेरे को ये चाहिए सर कि मेरा रोजी रोटी नहीं चल रहा है, बड़ी दिक्कत से पढ़ाई किए हैं, तो डीसी साहब के पास आए हैं कि कुछ मेरे को रोजगार दिलाएं। वहीं मौके पर मौजूद विधायक तथा उपायुक्त भी दिव्यांग की बातों को समझने के लिए जमीन पर बैठ गए और विस्तार पूर्वक उनकी समस्याओं को सुना। वहीं विधायक ने मौके पर ही जिले के उपायुक्त को दिव्यांग के योग्यता के आधार पर उचित नौकरी दिए जाने का निर्देश दिया। विधायक ने कहा कि सरकारी स्तर पर इनकी जो मदद हो पाएगी वो उनके द्वारा किया जाएगा और दिव्यांग को तत्काल राहत के लिए उनकी योग्यता के आधार पर जिला प्रशासन नौकरी उपलब्ध कराएगी। हमारे एकदम इंटीरियर जो पंचायत है झाटी झरना, वहाँ का दिव्यांग और ये ऑलरेडी बीएड पास करके बैठा हुआ है, तो इसलिए सरकार से इनकी अपेक्षा है कि ऐसे दिव्यांग अपेक्षा रखता है कि हमको कहीं ना कहीं सुनिश्चित किया जाए योजना रोजगार ना। जब बीएड किया हुआ तो इसलिए अभी हम लोग इसको प्रथम प्रायोरिटी देते हुए इसको हम लोग इमीडिएट उसको संपर्क करके इनके लिए हम लोग सुनिश्चित करें कि इसको योग्यता के अनुसार इसको रोजगार के लिए सुनिश्चित किया जाए। वहीं शुक्रवार को जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित तुलसी भवन में अदिति शाह द लेवल बुटीक शोरूम का उद्घाटन फीता काट कर किया गया। अदिति शाह द लेवल बुटीक शोरूम में महिलाओं को अच्छी क्वालिटी के वस्त्र उपलब्ध होंगे। शोरूम का उद्घाटन अदिति शाह ने फीता काट कर किया।
इधर बबीता शाह ने इस बुटीक शोरूम की विशेषता के संबंध में सिटी न्यूज को जानकारी दी। अभी लेटेस्ट ट्रेंड के सब हम यहाँ पे कपड़े लेके आए हैं और मेरा उद्देश्य है कि जमशेदपुर वासियों को यहाँ फैशन के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना और सारे लेडीज आइटम रखते हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत क्रेज है कपड़ों का। और चलने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज सुने फूका चुनावी बिगुल, सरकार की कर रहे हैं आलोचना। लूट की घटना में पुलिस को मिली सफलता, आरोपी आए पुलिस की गिरफ्त में। कपाली में मोबाइल चोर का दिखा आतंक, एक व्यक्ति की गई हत्या। और सुहागिन महिलाओं ने अपने पति के लिए रखा करवा चौथ का व्रत, मंदिरों में उमड़ी भीड़। इस बुलेटिन में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।